सो हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ रामलखन चंद्रवंशी, आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट डोंगर गांव से। तो किसान भाइयों, आज एक और इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिलहाल अभी देख सकते हो हम भिंडी की फसल में खड़े हैं, और आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो धनिया की फसल से रिलेटेड ही रहेगा। और आप लोगों को धनिया की फसल के बारे में एक ऐसा रोग रहता है जो धनिया की फसल में उसका कंट्रोल नहीं कर पाते, तो किसान भाइयों को उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, साथ ही फसल भी बुरी तरीके से ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा जो जिस रोग के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको यदि हम गांव की भाषा में या गांव लोगों की भाषा में दो नाम से जाना जाता है, एक धनिये में पाकड़िया रोग कह सकते हैं या हम लोकिया रोग कह सकते हैं, और साइंस की भाषा में यदि बात करें तो स्टेम गल के नाम से इस रोग को जाना जाता है। तो हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि किसान भाइयों भी देख सकते हैं धनिये की फसल पूरी तरीके से ग्रोथ वाली अवस्था में भी देख रही है आपको, और अभी फूल वाली अवस्था में ये धनिया की फसल यहाँ पे लगी हुई है। और जैसे ही फूल वाली अवस्था में इस रोग का कंट्रोल हम रोग लगने के बाद यदि इसका कंट्रोल करते हैं तो ये संभव नहीं है, रोग से पहले ही हमें इसका कंट्रोल करना पड़ता है या हम कह सकते हैं बचाव करना पड़ता है। बचाव ही इसका उपाय है, हम सीधी भाषा में इसका बात करें तो इसके लिए हमें कुछ क्या करना रहता है क्या नहीं करना रहता है वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। और जो धनिया के जो पाकड़िया रोग जिसे हम कहते हैं या फिर स्टेम गल या फिर लोकिया रोग जो होता है, किसान अलग अलग नाम से इस रोग को जानते हैं, और धनिया की फसल में खासकर ये रोग लगता है जिस स्थान पर ये रोग लग जाता है उस इतना घेरा बन जाता है धनिया की फसल में, और जो धनिया रहता है वो एक तरह से लोंग यानी कि उसके जो दाने रहते हैं वो लोंग की तरह लंबे से हो जाते हैं और पूरा घूम जाता है धनिया यानी कि गोल गोल घेरे बना लेता है। इस तरीके से ये रोग के सिम्टम्स रहते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी के साथ मैं बताता हूँ इसके उपाय का एक मात्र तरीका है कि हम इसको आने से पहले ही इसका उपचार कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ फंजीसाइड जो अच्छी अच्छी कंपनियों के फंजीसाइड होते हैं उनका इस्तेमाल इसमें करना रहता है। तो कुछ फंजीसाइड इस प्रकार से हैं, तो आइए मैं आपको धनिया की फसल भी दिखाता हूँ और उन फंजीसाइड का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, कौन सा फंजीसाइड है वो भी आपको दिखा। तो फंजीसाइड कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि सजेंटा का फोलियो कोड, ये भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ बीएसएफ का बाथरूम का कार्पोटॉप हो गया, और इसी के साथ धानुका का लगेस्टर हो गया। ये कुछ फंजीसाइड है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ये रोग ना आने से पहले ही इनका इस्तेमाल हम जब हमारे धनिया की फसल में इस रोग का प्रकोप धीरे से दिखने लगता है तभी इसका इस्तेमाल हमें स्प्रे इनका कर देना चाहिए, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल पूरी तरीके से हो सके और हमारे धनिया की फसल इससे बच सके। तो किसान भाइयों, और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के रोड पर बता दिया है, आपके यहाँ पर जो बेस्ट रहता है उसका उपयोग आप कर सकते हो और अपनी फसल को इस बाकड़िया या लोंगिया या स्टेम गल रोग से बचा सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।